उज्जैन के आगर रोड पर दुर्गा आयशर ट्रैक्टर शोरूम के सामने सोमवार शाम को हुए हत्याकांड में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगर रोड पर रहने वाला गोलू प्रजापत शाम 5 बजे घर पर ही था। इसी दौरान अजहर मेव व इकरार खान नामक दो युवक आए और चाकू से हमला कर दिया। गोलू को सीने व कमर में चाकू लगे, जिससे उसकी माँ इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में ले गई, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनोज कुमार सिंह ने घटना के तत्काल बाद सिटी एडिशनल एसपी रुपेश व सीएसपी पल्लवी शुक्ला के निर्देशन में एक टीम तैयार की, जिसने तत्काल जांच शुरू की और मंगलवार सुबह पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक गोलू प्रजापत पर थाना चिमनगंज पंडी में करीब आधा दर्जन अपराध दर्ज है। वहीं आरोपी अजहर व इकरार पर भी पूर्व के अपराध बताए जा रहे हैं। हत्याकांड 12 घंटे के भीतर खुलासा करने पर एसपी ने पुलिस टीम को पुरस्कृत किया है। इसमें इन लोगों की सराहनीय भूमिका रही। कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला, थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर, सब इंस्पेक्टर रमेश चंद सोलंकी, सब इंस्पेक्टर रविंद्र कटारा, आरक्षक सुतोष नागर, दिनेश बेस, शैलेश योगी, सैनिक चंदन प्रधान, आरक्षक विक्रम पटेल, राजपाल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 23 वर्ष का है, जो कि आगा रोड में मुख्य मार्ग पे ही उसका निवासी है। वहाँ पर ये अपने घर में था, उसके घर में उसका एक दोस्त था और उसकी माँ थी। दो लड़के आए और उनसे कुछ बातचीत की और उसको बाहर लाया। उसी दौरान गोलू को एक व्यक्ति ने कमर के ऊपर चाकू मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और चाकू मार के भाग गए। उसी समय उसकी माँ घर के अंदर से बाहर आई और उसको उठाया और हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ पर इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। ये टोटल ब्लाइंड केस था, इस केस में कोई क्यों नहीं था, क्योंकि कमल की जो सॉरी कमल जो गोलू है, गोलू प्रजापति जो मदर है, उसकी जो मदर है वो उनको नहीं जानती थी, और जो कमल है उसका गोलू का दोस्त वो भी उनको नहीं जानता था, ऐसा उनका कहना था। थाना चिमनगंज की पूरी टीम ने सीएसपी कोतवाली चिमनगंज में इसमें बहुत ही शानदार तरीके से काम किया और वहाँ पर जो लोग गलियों में उपस्थित थे उनसे पूछताछ करके, जो वहाँ पर आसपास और भी जानकारियाँ थी उनको एकत्रित करके अज्ञात आरोपियों का पता लगाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें एक बात ये भी थी कि जो गोलू है, बेटा गोलू जो है इसके हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री सीट खुली हुई है थाना चिमनगंज में। इसके कुल 6 अपराध हैं, इसके लूट के, चोरी के और मारपीट के अपराध हैं। प्रकरण में जो दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इसमें एक अजहर है, अजहर अफजालपुरा जिराजीगंज थाना क्षेत्र का है, और इकरार जो है ये नामदारपुरा जिराजीगंज थाना क्षेत्र का है। ये जो दोनों बदमाश हैं, एक की उम्र 21 वर्ष है और एक की उम्र 23 वर्ष है। अजहर जो है इसके 3-4 अपराध हैं थाना जिराजीगंज में, मार्केट से हैं, और इकरार के भी जिराजीगंज में 2 अपराध हैं। इस प्रकार से ये आपराधिक प्रगति के भी व्यक्ति हैं। इस अंधे कत्ल को 12 घंटे के अंदर थाना चिरंगंज पुलिस ने खुलासा किया और आरोपियों को हिरासत में लेने में सफलता मिली है। इसी सभी तरह से इनाम की भी घोषणा की गई है।